साइड बी। ओम शांति। ओम शांति। 1992 का प्रातः क्लास। दिस इज द मॉर्निंग क्लास डेटेड 1992। दूसरी लाइन। द सेकेंड लाइन। तो किसकी पढ़ाई हो रही है? हु स्टडीज आर गोइंग ऑन? है बाप बच्चों को पढ़ाए रहे, बड़े ग्राम को नहीं पढ़ाए रहे। द फादर इज टीचिंग द चिल्ड्रन। ही इज नॉट टीचिंग बालक राम, अ पीबी के ब्रदर। बच्चे तो बड़े होते हैं, थोड़े तो पढ़ाए जाते हैं, बालक तो बालक। वेन द चिल्ड्रन ग्रो अप अ लिटिल दे आर टॉट, बट बालक इज अ चाइल्ड। बालक वो क्या जाने? वॉट डज ही नो? वो तो जैसी किसी ने पंप भर दी वैसे ही बोलते रहेगा। ही केप्ट लिसनिंग टू एनी वन हु इंसाइटेड हिम। बस दैट्स इट। हम ये शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। वी विल लीव दिस बॉडी एंड गो टू द स्वीट होम। हमको काल नहीं खा सकता है। डेथ कांट डिवोर अस। ये पक्का हमको निश्चय। वी हैव दिस फर्म फेथ। सर्प का मिसाल वास्तव में सन्यासी नहीं दे सकते। एक्चुअली द सन्यासीज कांट मेंशन द एग्जांपल ऑफ द स्नेक। क्यों नहीं दे सकते? व्हाई कांट दे मेंशन इट? वो क्यों नहीं दे सकते? व्हाई कांट दे मेंशन इट? क्योंकि उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि शरीर छोड़ करके हम स्वर्ग में जाएंगे। इट इज बिकॉज इट हैज सेट इन देयर इंटेलेक्ट दैट दे विल लीव देयर बॉडी एंड गो टू पैराडाइज। अब वो तो स्वर्ग पसंद भी नहीं करते। एंड दे डोंट लाइक पैराडाइज ईदर। वो तो क्या कहते हैं स्वर्ग के सुख? वॉट डू दे से? द हैप्पीनेस ऑफ पैराडाइज इज लाइक द ड्रॉपिंग्स ऑफ अ क्रो। हम ऐसे सुख नहीं चाहिए। वी डोंट वॉन्ट सच हैप्पीनेस। हमें तो बस इसे ही दुनिया में शिव हम कह के बैठ गए। वी जस्ट वॉन्ट टू सिट इन दिस वेरी वर्ल्ड सेइंग वी आर शिव शिवो हम। बस हमारो राज्य चले। एंड दैट्स इट। ओनली अवर किंगडम शुड प्रिवेल। हमारी श्रीमत लोग फॉलो करें। पीपल शुड फॉलो ओनली अवर श्रीमत। और एंड और के दुख न मानो। एंड दे शुड नॉट बिलीव एनी वन एल्स। अब ऐसी दुनिया में जाए क्या फायदा? वेल व्हाट इज द बेनिफिट टू गो टू सच अ वर्ल्ड? स्वर्ग की दुनिया न कोई राजा हो न कोई प्रजा था, राजा था प्रजा सब एक जैसी। इन द वर्ल्ड ऑफ पैराडाइज देर इज नीदर अ किंग नॉर सब्जेक्ट्स। एज इज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। एवरी वन इज इक्वल। सब सुखी हुए। एवरी वन इज हैप्पी। वो कौन किन के ऊपर राज्य करेगा? देर हु विल रूल ओवर हुम? वहाँ कोई अनुशासनहीन होगा क्या? विल एनी वन बी अनडिसिप्लिन्ड देर? वहाँ तो कोई अनुशासनहीन होगा नहीं। देर वोंट बी एनी वन अनडिसिप्लिन्ड देर। तो इस दुनिया में हमको राज्य चाहिए। किस दुनिया में? सो वी वॉन्ट टू रूल दिस वर्ल्ड। विच वर्ल्ड? जहाँ अनुशासनहीनता चलती है। द वर्ल्ड वेयर देर इज इनडिसिप्लिन। तो राजा जब अनुशासनहीन होगा तो प्रजा कैसी होगी? इफ द किंग हिमसेल्फ इज अनडिसिप्लिन्ड हाउ विल द सब्जेक्ट्स बी? प्रजा भी अनुशासनहीन। द सब्जेक्ट्स विल ऑल्सो बी अनडिसिप्लिन्ड। तो सन्यासी कैसे बने? सो हाउ डिड दे बिकम सन्यासी? जरूर परमात्मा जब आया था भाग्य बांटा था। डेफिनेटली वेन द सुप्रीम सोल केम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्चून। तो परमात्मा के भी घरघाट को छोड़ के भागने वाले सन्यासी कैसे बने? वॉट डिड द सन्यासी हु लेफ्ट द हाउस ऑफ इवन द सुप्रीम सोल एंड रैन अवे बिकम लाइक? अनुशासन। दे बिकेम अनडिसिप्लिन्ड। शासन में चलने वाले नहीं बन सके। दे वर अनेबल टू बिकम द वंस हु फॉलो द डिसिप्लिन। तो छोड़ छाड़ करके बहाने बना के भाग भाग खड़े। देयरफोर दे लेफ्ट एवरीथिंग मेड एक्सक्यूजेस एंड रैन अवे। उसका फाउंडेशन यहाँ पड़ता है। सो द फाउंडेशन ऑफ दिस इज लेड हियर। तो सर्प का मिसाल सन्यासी नहीं दे सकते। सो द सन्यासी कांट मेंशन द एग्जांपल ऑफ द स्नेक। भ्रमरी का मिसाल भी प्रवृत्ति मार्ग वालों का। द एग्जांपल ऑफ द बम्बल बी भ्रमरी इज ऑल्सो फॉर दोज हु बिलोंग टू द हाउस होल्ड पाथ। वॉट भ्रमरी क्या करती है? वॉट डज द बम्बल बी डू? घूम 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 24 घंटे पति के कान में घूम घूम लगाए रहे। इट कीप्स बजिंग। द वाइफ कीप्स बजिंग मीनिंग सेइंग वर्ड्स ऑफ नॉलेज इन टू द हस्बैंड्स इयर्स फॉर 24 आवर्स। क्या करेंगे?
What will she do? अरे कीड़े, गंध के कीड़े. She will say, अरे worm, the worm of dirt. क्या सुनाती है? She narrates the knowledge. बराबरी क्या करती है? What does a bumblebee do? बुझले कीड़े होते हैं. Someone must have said something. There are worms that belong to you. अच्छा. अच्छा. तो ये अपने कीड़े हैं. These worms belong to you. बालकराम अपनो कीड़ा. बालकराम is a worm belonging to you. भैया सही बात है. Brother, you said the right thing. जाओ तो अपनो कीड़ा. This one is your worm. है बड़ो राम दूसरे को कीड़ा. The elder ram is someone else's worm. कीड़ा कीड़ा अपने अपने अलग अलग होते हैं. Are there separate worms belonging to each one? Yeah. Why? तो भ्रमरी क्या करती है? हैं? So, what does the bumblebee do? भ्रमरी क्या करती है? बूम बूम करती रहती है. What does the bumblebee do? It keeps buzzing. कीड़ों को लाती है और कीड़ों के कान में ज्ञानी की बूम 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 करेगी. It brings worms and buzzes knowledge into the ears of the worms. है तो चैतन्य भ्रमरियों की बात. In fact, it is about the living bumblebees. हैं? वही? कोई जानवर भ्रमरी की बात है? है कीड़े मकोड़े की तो बात नहीं है. It is not about those bumblebees, the animals. It is not about any insect or spider. तो बूम 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 करती रहेगी तो कभी न कभी तो असर हो ही जाएगा. So, if she, meaning the wife, keeps buzzing, it will definitely influence the husband at some time. तो ये मिसाल भी सन्यासी नहीं दे सकते. So, the sannyasis can't mention this example either. क्यों? Why? क्यों नहीं दे सकते? Why can't they mention it? वो तो भ्रमरा हो गए. They are male bumblebees. वो भ्रमरी हुए कि भ्रमरा हुए? Are they female bumblebees? और मेल बम्बलबीज वो क्या हुए? वॉट आर दे? वो तो भ्रमर हैं. दे आर मेल बम्बलबीज. पुरुष जितने होते हैं सब क्या होते हैं? वॉट आर ऑल द मेन? दुर्योधन दुशासन. दे आर दुर्योधन दुशासन. अब वो पुरुष स्वभाव के चाहे रुद्रमाला के मन के ही क्यों न हो. इट डजेंट मैटर इफ दे आर द बीड्स ऑफ द रुद्रमाला हैविंग मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट्स. रुद्रमाला मीनिंग The rosary of Rudra. क्या होते हैं? What are they? दुर्योधन दुशासन. दुर्योधन दुशासन. क्योंकि जन्म जन्मांतर के राजा हैं. Because they are the kings for birth after birth. तो वो तो भ्रमर हुए. So they are male bumblebees. लेकिन भ्रमरी का मिसाल उनके ऊपर लागू नहीं होता. However, the example of the female bumblebee isn't applicable on them. मिसाल देते हैं लेकिन जानते नहीं हैं. दे मीनिंग द सन्यासीज मेंशन दिस एग्जांपल बट दे डोंट नो अबाउट इट. तो ये मिसाल भी प्रवृत्ति मार्ग वालों का है. दिस एग्जांपल इज आल्सो एप्लीकेबल टू दोज हु लिव इन द हाउसहोल्ड पाथ. वो साधु सन्यासी तो घरघाट छोड़ करके अलग आश्रम बना करके बैठते हैं. द एसेटिक्स एंड सन्यासीज लीव देयर हाउसहोल्ड बिल्ड आश्रम्स सेपरेटली And sit there. बाना उनका कोई धनी है न कोई धोरी है. There they neither have any master nor any leader. वो प्रैक्टिकल में है धनी धोरी? Do they have any master in reality? कोई धनी धोरी नहीं. They don't have any master. बस. That's it. खुदा हरता खुदा करता खुदा भरता. They themselves are the taker, the doer, and the lord. कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं जनक मिसल. They say we can bring about the liberation in life of someone in a second, like in the case of Janak, name of a king mentioned in Hindu mythological stories. Gain to hai na? It is famous, isn't it? Ye bhi copy karte hain Janak ki. They copy Janak in this way too. Wo nahi de sakte second mein jeevan mukti. They can't bring about the liberation in life of someone in a second. कौन? Who? सन्यासी. The sannyasis. सन्यासी जीवन सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे देंगे?
How will the sannyasis bring about the liberation in life in a second? वो तो बच्चे बनाते ही नहीं है. They don't make anyone their children at all. तो मुक्ति जीवन मुक्ति तो वर्ष कैसे देंगे? Then how will they give the inheritance of liberation and liberation in life to them? वो तो क्या बनाते हैं? What do they make them into? Follower बनाते हैं. They make them into their followers. तो follower जो उनका बनेगा तो क्या करेगा? So what will the one who becomes their follower do? घरवार छोड़ करके सन्यासी बनेगा ना? He will leave his household and become a sannyasi, won't he? कफनी पहनेगा. He will wear the robe of the ascetics, kafani. तो सन्यासी तो स्वर्ग में जाए नहीं जा सकते. So the sannyasis can't go to paradise at all. जब स्वर्ग में जाए नहीं सकते तो जीवन मुक्ति का वर्षा अपने followers को ले भी नहीं सकते. When they can't go to paradise, they can't give the inheritance of liberation in life to their followers either. जो खुद ही प्राप्ति नहीं करेगा जिस चीज को दूसरों को क्या देगा? The one who himself doesn't achieve something, how will he give it to the others? तो ये गृहस्थियों का मिसाल है. So this is the example of the ones living in the household. गृहस्थ में रहने वाली जो कन्याएं माताएं हैं वो. What about the maidens and mothers living in the household? हैं? वो भ्रमरी का मिसाल उन्हीं के ऊपर लागू होता है. The example of the bumblebee is applicable to them. अथवा सर्प का मिसाल उनके ऊपर गृहस्थियों के ऊपर लागू होता है या जनक का मिसाल उनके ऊपर लागू होता है. द एग्जाम्पल ऑफ द स्नेक और द एग्जाम्पल ऑफ जनक इज अप्लीकेबल टू द वंस लिविंग इन द हाउस होल्ड. बाकी जो घरघाट छोड़ करके आश्रमों में जाकर के बैठ गए उनके ऊपर सन्यासियों के ऊपर लागू नहीं होता. एज फॉर द रेस्ट इट इज नॉट अप्लीकेबल टू द सन्यासीज. The ones who left their household went to the ashrams and sat there. अब बाप कहते हैं चलो वापस. Now the father says, let's go back. किसे कहते हैं? To whom does he say this? हम वापस चलना है. Where do we have to go back? हैं? ही तुम चलो अब उसी बाप के घर में आए सन्यासी पहुँच जाओ. Go to the sweet home. Sannyasis, go back to that very father's home now. कौन से घर में? Which home? जिस बाप को तुम भूले हुए. The home of the father whom you have forgotten. बाप को भूले हुए? They will say, we have forgotten the father. कैसे? How? ये तो हम नहीं मान सकते. हम कैसे सन्यासी कैसे बाप को भूले हुए? We can't accept this. How have we, the sannyasis, forgotten the father? Someone said something. शिव हम कहते हैं यहाँ ब्राह्मण की दुनिया. Do they say I am Shiv here in the Brahmin world? ब्राह्मण की दुनिया में कौन कहता है शिवोहम? Who says शिवोहम in the Brahmin world? अपने अपने मठ पंथ बना लिए. Someone said something. They have established their individual sects. क्यों? Why? अपने अपने मठ पंथ कैसे? How have they established their individual sects? अपना बना के अपनी पूजा कराते. Do they make them their disciples? And receive worship. मतलब तुम जाके अगर उनसे कोई तीखी बात कह दोगे तो वो तुम्हें निकाल के बाहर कर देंगे. Does it mean that if you go there and tell them some strong words, they will chuck you out? हैं? वो भगवान का घर नहीं समझते? Don't they think that it is the house of God? अच्छा? ऐसी बात? Is it so? कमाल? It is a wonder. अच्छा सबके सामने तीखी बात मत कही हो एकांत में बैठ के कह दी. अच्छा डोंट टेल देम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. सिट एंड टेल देम इन प्राइवेट. कहूंगा मैंने. अरे समवन सेड समथिंग. अरे मतलब उनको अपना घर है. इट मीन्स दैट द आश्रम इज देयर ओन हाउस. वो आश्रम सारा मठ पंथ बनाए के बैठे. दे हैव एस्टेब्लिश्ड अ सेक्ट एंड आर सिटिंग देयर. तो बाप कहते हैं अब चलो वापस. So the father says, now let's go back. कहाँ वापस चलो? Where should you go back? ओ सन्यासियों. ओ सन्यासीज. जिस बाप को तुमने छोड़ा जिसकी अवज्ञा की अनुशासनहीनता की अब उसी बाप के घर में चलो. Now go to the home of the very father whom you left, whom you disobeyed and with whom you displayed indiscipline.
वो बाप का घर ही स्वीट होम है, जाना तुमको भी उसी घर में। दैट वेरी होम ऑफ द फादर इज द स्वीट होम, यू ऑल्सो हैव टू गो टू दैट वेरी होम। ऐसा एक भी सन्यासी नहीं होगा ब्राह्मणों की दुनिया से लेकर 500 करोड़ की दुनिया तक। देर वोंट बी अ सिंगल सन्यासी इन द ब्राह्मीन वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ द 5 बिलियन सोल्स। वॉट ब्राह्मण दूसरे क्यों न हो, विवेकानंद क्यों क्यों न हो, आचार रजनीश जी क्यों न हो, जिनको जिनको बाप के घर में जाकर के सामना न करना पड़े। वेदर दे आर एब्राहम, बुद्धा, क्राइस्ट, विवेकानंद और आचार्य रजनीश, देर वोंट बी अ सिंगल वन हु वोंट हैव टू गो टू द फादर्स होम एंड फेस हिम। ज्ञान पूरा उठाए या न उठाए, इट डजंट मैटर वेदर दे ऑब्टेन कम्प्लीट नॉलेज और नॉट, सलाम जरूर मान, दे विल डेफिनेटली हैव टू पे सैल्यूटेशंस टू हिम। मालिक कौन है, हु इज द मास्टर, शिव बाबा तो मालिक बनता नहीं विश्व का। शिव बाबा डजंट बिकम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, शिव बाबा तो कहते हैं मैं विश्व का मालिक बनता ही नहीं। Someone said something. शिव बाबा says, I certainly don't become the master of the world. तो किसको सलाम बढ़ते हैं? Then to whom do they pay salutations? Student, the one whom he enters. Yes. जिसमें प्रवेश करके स्वर्ग की रचना रचते हैं उस प्रजापिता अर्थात सारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज है साकार उसको सलाम करते जो मालिक है। द वन हुम ही एंटर्स एंड थ्रू हुम ही क्रिएट्स पैराडाइज दे सल्यूट दैट प्रजापिता, मीनिंग द वन हु इज द कॉर्पोरियल सीड ऑफ द एंटायर ह्यूमन वर्ल्ड, ही इज द मास्टर। जिसके लिए बोला मुरलियों में कई बार, इट वॉज सेड अबाउट हिम इन द मुरलीज मेनी टाइम्स। फरुखाबादी के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। द पीपल इन फरुखाबाद बिलीव इन द मास्टर वेरी मच। इतनी बड़ी दुनिया में और कोई जेल ही ऐसा नहीं रहा। इजंट देयर एनी अदर डिस्ट्रिक्ट इन सच अ बिग वर्ल्ड जहाँ के लोग ज्यादा मानते हो, नहीं, वेयर पीपल बिलीव इन हिम मोर, इजंट देयर, बस तुम्हारो ही जिला है। इज जस्ट योर डिस्ट्रिक्ट लाइक दिस। राजकुमारी माता, लिसन राजकुमारी माता, जिला एटा ना है, एटा डिस्ट्रिक्ट इजंट द प्लेस वेयर दे बिलीव इन द मास्टर, इन्हीं तो जिला है, इट इज जस्ट हिज डिस्ट्रिक्ट। तुम तो हुए ना एटा, वो फरुखाबाद वाली, यू आरंट द रेजिडेंट ऑफ फरुखाबाद, तुम तो मानती ना हो मालिक को, यू डोंट बिलीव इन द मास्टर। मानते, Someone said something. You believe in the master. ये क्या बात हुई, दोनों मानते? अरे हाउ इज इट दैट बोथ बिलीव इन द मास्टर? अरे जिसकी बुद्धि फरुखाबाद में धरी रहे तो कहाँ का वासी हुआ? अरे इफ समवन्स इंटेलेक्ट इज फोकस्ड इन फरुखाबाद, ही इज अ रेजिडेंट ऑफ विच प्लेस? फरुखाबाद वासी हुआ? स्टूडेंट, अ रेजिडेंट ऑफ फरुखाबाद, ही इज अ रेजिडेंट ऑफ फरुखाबाद। लेकिन एटा ही क्या बस हुआ? और इज ही द रेजिडेंट ऑफ एटा? ये राजबहादुर तो बस डाउन करना चाहता है। दिस राजबहादुर सिंपली वॉन्ट्स टू मेक अदर्स फील डाउन। अपने सामने किसी को चढ़ने ही नहीं देगा। ही वोंट लेट एनी वन स्टे इन फ्रंट ऑफ हिम एट ऑल। अब बाप कहते हैं चलो वापस। नाउ द फादर सेज लेट्स गो बैक। अपने घर स्वीट होम वापस चलो मीठे घर में। लेट्स गो बैक टू योर होम टू द स्वीट होम। मुझे याद करो तो विकर विनाश। रिमेम्बर मी देन योर रॉन्ग एक्शंस विल बी डिस्ट्रॉयड। क्या वॉट, तुम सन्यासियों को वो घर कड़ुआ लगता है तो छोड़ के भाग जाते। दो सन्यासीज फाइंड दैट हाउस बीटर, दैट्स व्हाई दे लीव इट एंड रन अवे। कौन से सन्यासी? विच सन्यासीज? संगमी दुनिया के ब्राह्मण सन्यासी जो है। यस, द ब्राह्मीन सन्यासीज इन द वर्ल्ड ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज। सन्यास वृत्ति धारण करने वाले, द वंस हु अडॉप्ट द एटीट्यूड ऑफ सन्यासीज। छोड़ छोड़ करके बार बार भागते हैं सर्विस का बहाना लेकर, सर्विस कर लेंगे जाके, लड्डू करोगे जाके तुम। दे लीव द होम एंड रन अवे अगेन एंड अगेन मेकिंग द एक्सक्यूजेज ऑफ सर्विस सेइंग, वी विल गो एंड डू सर्विस
यू विल गो एंड डू नथिंग एट ऑल. पहले अपनी सर्विस कर लो. फर्स्ट ऑफ ऑल डू द सर्विस ऑफ योर सेल्फ. मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे. रिमेम्बर मी देन योर रॉन्ग एक्शंस विल बी डिस्ट्रॉयड. नहीं तो बहुत सजा खाएंगे और पद भी तुम्हारा भ्रष्ट हो जाएगा. अदरवाइज यू विल सफर अ लॉट ऑफ पनिशमेंट्स एंड योर पोजिशन विल ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड. वॉट? अब चलो अपने घर वापस. नाउ लेट्स गो बैक टू योर होम. धंधा धोरी छोड़ो. लीव दिस जॉब्स एंड ऑक्यूपेशंस. वॉट? हाँ बैठो. वेयर शुड यू सिट? अ स्टूडेंट सेड समथिंग. हाँ स्वीट होम में बैठ जाओ. स्टूडेंट इन द स्वीट होम. यस सिट इन द स्वीट होम. शरीर से नहीं कहा. He didn't say to go and sit there with the body. बुद्धि से. But through the intellect. वो भी सब बैठ जाएंगे जब प्रीति बुद्धि होंगे. You will sit there only when you have a loving intellect. तो जाकर के बैठे भी जाएंगे. Then you will go there and sit. और विपरीति बुद्धि होंगे. And if you have an opposing intellect. तो फिर भागकड़े होंगे बुद्धि से भी. You will run away from there even through the intellect. बुद्धि टिकेगी ही नहीं. The intellect won't remain stable there at all. जैसे नफरत होती है वहाँ बुद्धि ज्यादा नहीं टिकती. The intellect doesn't stay much with the ones whom we hate. तो चलो घर वापस. So let's go back home. मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे नहीं तो बहुत सजा खाएंगे. Remember me, then your wrong actions will be destroyed. Otherwise you will suffer a lot of punishments. मेरे को याद नहीं किया. If someone doesn't remember me. और संबंध और संग किसी दूसरे से जोड़ लिया. एंड फॉर्म्स अ रिलेशनशिप एंड कीप्स द कंपनी ऑफ समवन एल्स. तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? तो बहुत सजा खानी पड़ेगी. ही विल हैव टू सफर अ लॉट ऑफ पनिशमेंट्स. और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा. एंड द पोजीशन विल ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड. जितनी सजा खाएंगे उतना ही उतना ही माला गना का मन का नीचे गिरता चला जाएगा. The more you suffer punishments, the more your position among the beads of the rosary will go down. Yeah. What? 500 crore ki bhi mala hai. There is also the rosary of 5 billion souls. Usme bhi man ke niche utarte. The beads in it also go down. Aur utarne ka samay yahi hai. And this very time is the time of falling. To samjhoge 108 ki mala mein to aa jayenge. Otherwise you may think we will at least be threaded in the rosary of the 108 beads. कोई जरूरी नहीं. It isn't necessary. अंत में कोई की याद आई तो फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा. Student said something. If you remember anyone in the end, you will have to be reborn. अगर कोई की भी याद आ गई अंत में सिवाय एक मालिक के. इन द एंड इफ यू रिमेम्बर एनी वन एल्स अपार्ट फ्रॉम द वन मास्टर. सबका मालिक एक है. इट इज सेड देर इज वन मास्टर फॉर एवरी वन. अगर उसके अलावा और किसी की याद आई. इफ यू रिमेम्बर एनी वन एल्स अपार्ट फ्रॉम हिम. तो क्या होगा? देन वॉट विल हैपन? पुनर्जन्म लेना पड़ेगा. दूसरा जन्म मिलेगा. You will have to be reborn. You will receive another birth. Then, संशय में जरूर आएंगे. It means that you will certainly have doubts. संशय निश्चय में आना माना जन्म मरण के चक्र में आना. Coming in the cycle of doubt and faith means to come in the cycle of birth and death. यह भेद का जन्म मरण. These are the birth and death in the unlimited. क्योंकि संशय में आए तो सबसे पहला संशय आता है बाप के पार्ट पर. इट इज बिकॉज इफ समवन हैज अ डाउट दे हैव अ डाउट रिगार्डिंग द रोल ऑफ द फादर फर्स्ट ऑफ ऑल. बाप के पार्ट पर जिसको निश्चय है. द वन हु हैज फेथ इन द रोल ऑफ द फादर. वो तो हिल ही नहीं सकता. ही कांट शेक एट ऑल. दूसरे चाहे कितने भी विघ्न पैदा करें. इट डजेंट मैटर हाउ मेनी ऑब्स्टेकल्स द अदर्स क्रिएट. डटा रहेगा क्योंकि बाप का तो प्यार मिल रहा है. He will remain unshakable because he is at least receiving the father's love. बाप के ऊपर टोटल विश्वास है कि बाप तो हमको प्यार करता है. He has firm faith on the father, thinking the father certainly loves me. हमें दुनिया से क्या लेना देना.
Why should I be concerned about the world? काशी करवट खाते हैं. They seek self-immolation at Banaras. काशी करवट खाना. कौन? Who? हैं? काशी करवट खाते हैं. They seek self-immolation at Banaras. उसमें भी अनेक विकर्मों से मुक्ति हो जाती है. They are liberated from many wrong actions through that. कौन काशी करवट खाते हैं? Who seeks self-immolation at Banaras? काशी करवट माने क्या? What does it mean by काशी करवट? नहीं. Student said something. No. काशी करवट माने काशी बनारस में एक कुआ है भक्ति मार्ग में. हाँ. काशी करवट means that in the path of bhakti there is a well in Kashi. In fact, it was there. Kashi means name of a city in Banaras, Uttar Pradesh. तो उसमें जाकर के खांडा लगा हुआ था ज्ञान का. A double-edged sword was fixed in it, the sword of knowledge. उस खांडे में जाकर के गिरते. They went and flung themselves on that sword. क्या? What? अंधेरा कुआं. It was a dark well. उसमें जाके गिरे अब बस. If someone goes and flings himself in it, that's it. उनके साथ पूर्व जन्म के पाप फला. All their sins of the previous births are finished. मतलब? What does it mean? कुआं तो अंधेरा ही होगा नीचे. The well will certainly be dark below. कि नीचे उसमें उजाला होगा. Or will there be light below? कुआं तो जरूर कुछ न कुछ अंधेरा होगा. There will certainly be darkness to some extent in the well. जानते हैं ज्ञान की खड़ग है. They know that it is the sword of knowledge there. पार जाएंगे. They will go across. क्या? What? जिंदा? जिंदा नहीं रह सकते. They can't remain alive. माने जीते जी मरेंगे जरूर. It means they will certainly die alive. भले एक दो सेकंड के लिए ही सही. Though it is for one or two seconds. अरे दो चार महीने के लिए ही सही. एक बार तो निश्चय बैठ गया. हाँ. अरे though it is for 2 to 4 months, they had faith once, didn't they? तो भी उनका कल्याण हो जाता. They will be benefited anyhow. जो पहले के किए हुए पाप हैं वो सब सब खलास. All the sins that they committed previously will be finished. इसका बेहद अर्थ क्या हुआ? What is its unlimited meaning? मान लो कोई बाप को छोड़ जाते हैं. Though someone leaves the father and goes away. लेकिन बाप को छोड़ने के बावजूद भी. Despite leaving the father. पूरा नहीं भी पहचाना है. Even if they haven't recognized him fully. और बहुतों को देख रहे हैं. ये तो बड़ी लंबडोर लगी हुई. क्यों लग गई? But they see many people forming a very long line, a queue. तो दूसरों को देखा तूने भी अपनी बुद्धि से नहीं जजमेंट कर पाए पूरा क्या? So just by looking at others, they couldn't judge fully through their intellect. What? कि वास्तव में बाप है. They couldn't judge that he is the father in reality. हाँ. Yes. लेकिन पंप भरी किस उन. हाँ. और पहुंच गए उदान खास्ता और पूरे अर्पण अर्पण हो. बट इफ समवन इंसाइटेड देम एंड बाय चांस दे अराइव्ड इन फ्रंट ऑफ द फादर एंड सरेंडर देमसेल्व्स फुल्ली. हाँ तो पूर्व जन्म के जो पहले किए हुए पाप हैं वो सब खलास हो जाते. यस. सो ऑल द सिंस दैट वर कमिटेड इन द प्रीवियस बर्थ आर फिनिश्ड. लेकिन फिर क्या होता है अंजाम? But then what is the result? फिर तेजी से पाप कर्म करने लगते हो पूरा ज्ञान तो बुद्धि में. Then they start committing sins again with a greater speed in the following birth, because they don't have the complete knowledge in the intellect. बाप की पहचान का पूरा पक्का निश्चय खुद के आधार पर नहीं हुआ. They didn't recognize, didn't have complete faith on the father on their own. उस कारण ही ब्राह्मण तो बन गए. They did become Pushkarni Brahmin. Pushkarni mean? What does Pushkarni mean? Push. Push means dhakka parade. Push.
टू पुश मीन्स टू शो. किसी ने धक्का मार दिया. समवन शोव्ड देम. तो बस आगे हो गए स्वाहा. सो दे केम एंड सैक्रिफाइज्ड देमसेल्व्स. लेकिन सारस्वत ब्राह्मण नहीं बने, सरस्वती पुत्र नहीं बने. बट दे डिडंट बिकम सारस्वत ब्राह्मिन्स, द सन्स ऑफ सरस्वती. मान वॉट डज इट मीन. ये नहीं समझा कि हम सब सरस्वती के पुत्र हैं. दे डिडंट अंडरस्टैंड दैट दे आर द सन्स ऑफ सरस्वती, ज्ञान की देवी के पुत्र हैं. द सन्स ऑफ द देवी मीनिंग फीमेल डेटी ऑफ नॉलेज. किसका बच्चा समझा प्रभु. दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स टू बी द चिल्ड्रन ऑफ होम. पुरुषोत्तम में जो ब्रह्मा जी रहते हैं ना, तो ब्रह्मा जी का अपने को बच्चा समझा. दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स टू बी द चिल्ड्रन ऑफ ब्रह्मा हु रिसाइड्स इन पुष्कर, अ प्लेस इन राजस्थान. ये हम ब्रह्मा जी रहते ना है, हमें तो ब्रह्मा बढ़िया लग रहा है, उनकी रचना समझ लिया अपने. दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स टू बी हिज क्रिएशन, थिंकिंग वी आर द क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा, वी लाइक ब्रह्मा. तो पुष्करणी ब्राह्मण नहीं बनना है. सो यू शुडंट बिकम पुष्करणी ब्राह्मिन्स. बनना क्या है. वॉट शुड यू बिकम. सारस्वत ब्राह्मण. सारस्वत ब्राह्मिन्स. सरस्वती पुत्र बनना है. यू हैव टू बिकम द सन्स ऑफ सरस्वती. सरस्वती जगदम्बा याद रहनी चाहिए भाई. सो ब्रदर यू शुड रिमेम्बर सरस्वती जगदम्बा. यस. तो काशी करवट खाते हैं, उसमें भी अनेक विकर्मों से मुक्ति हो जाती है. दे सीक सेल्फ इमोलेशन एट बनारस, दे आर लिबरेटेड फ्रॉम मेनी रॉन्ग एक्शंस थ्रू दैट. फिर भी पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ता. नेवरदलेस दे हैव टू बी रीबॉर्न. ये क्या बात है. वॉट इज दिस. अरे परमात्मा शिव के ऊपर जो आरोपण हो गया उसको पुनर्जन्म क्यों लेना पड़े. इसे पाप की दुनिया, दुख की दुनिया. अरे वाई विल द वन हु सैक्रिफाइज्ड हिमसेल्फ टू द सुप्रीम सोल शिव हैव टू बी रिबॉर्न इन दिस सिंफुल वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड ऑफ सोरो. क्योंकि अर्पण तो हो गया, लेकिन लेकिन इट इज बिकॉज ही डिड सैक्रिफाइज हिमसेल्फ. बट धक्के से, दूसरों के धक्के लगाने से अर्पण हुआ. यस ही सैक्रिफाइज्ड हिमसेल्फ व्हेन ही वाज पुश्ड, व्हेन ही वाज पुश्ड बाय द अदर्स. लेकिन अपने उमंग उत्साह से अर्पण, अपने उमंग उत्साह से अर्पण नहीं हुआ. बट ही डिडंट सैक्रिफाइज हिमसेल्फ आउट ऑफ हिज ज़ील एंड एंथुसियाज्म. अपने उमंग उत्साह से अर्पण वो होगा जो जो ज्ञान से समझ जाए. इट इज बिकॉज द वन हु अंडरस्टैंड्स थिंग्स थ्रू नॉलेज विल सरेंडर हिमसेल्फ आउट ऑफ हिज ज़ील एंड एंथुसियाज्म. बुद्धि के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर समझ जाएगा. ही विल अंडरस्टैंड थिंग्स थ्रू द इंटेलेक्ट, थ्रू हिज इंटेलेक्ट. काशी करवट खाते हैं. दे सीक सेल्फ इमोलेशन एट बनारस. मुक्त हो जाती है. दे आर लिबरेटेड फ्रॉम रॉन्ग एक्शंस थ्रू दैट. फिर भी उनको पुनर्जन्म लेना पड़ता है. नेवर द लेस दे हैव टू बी रीबॉर्न. माने वॉट डज इट मीन. पुनर्जन्म माने वॉट डज रीबर्थ मीन. सन्यासी जो है, ये दुनिया के जो भक्त हैं, काशी करवट खाते हैं. द सन्यासीज और द डिवोटीज इन द वर्ल्ड हु सीक सेल्फ इमोलेशन एट बनारस. ये ब्राह्मणों की दुनिया के जो भक्त हैं, काशी करवट खाए रहे हैं, भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं. और द डिवोटीज इन द ब्राह्मीन वर्ल्ड who are seeking self-immolation, run away and come again. तो उनको फिर क्या होगा. What will happen to them? संशय तो जरूर आएगा, संशय रूपी मृत्यु जरूर होगी. They will certainly have doubts. They will certainly have a death in the form of doubt. और फिर कहीं गृहस्थी के यहाँ जाके जन्म जरूर लेना पड़ेगा. Then they will certainly have to go and be born in the family of some householder. ग्रहस्थियों की तो जरूर गृहस्थी होगी. The householders, grihasthi, will certainly have a degraded personality. Girihasthi. Girihasthi माने? Degraded personality means what? वो तो जरूर भिखारी बनेंगे.
दे विल सर्टनली बिकम विशियस। उनकी बुद्धि में तो निर्विकारी बनने का लक्ष्य पूरा ठहरता ही नहीं है। द एम ऑफ बिकमिंग फ्री फ्रॉम वाइसेस डजंट सिट इन देयर इंटेलेक्ट फुल्ली एट ऑल। माया जो है बाहर की दुनिया का वातावरण कैसा है? माया हाउ इज द एटमोस्फियर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। कहाँ बाप के घर का वातावरण, कहाँ बाहरी दुनिया का वातावरण। देर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द एटमोस्फियर ऑफ द फादर्स होम एंड द एटमोस्फियर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। फर्क तो होगा ना। देर विल सर्टनली बी अ डिफरेंस, वोंट देर। तो सन्यासियों को फिर कहाँ जन्म लेना पड़ता है? सो वेयर डू द सन्यासीज हैव टू बी बोर्न। दे हैव टू बी बोर्न इन अ फैमिली ऑफ हाउस होल्डर्स द विशियस वंस। यानी उनके ऊपर निश्चय विश्वास रख करके उनके आधार पर अपनी लालना पालना लेते रहते हैं। इट मीन्स दे ट्रस्ट देम एंड रिसीव सस्टेनेंस एंड अपब्रिंगिंग फ्रॉम देम। तो यह है योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ। सो हियर हेल्थ इज ऑब्टेंड फ्रॉम योग एंड वेल्थ इज ऑब्टेंड फ्रॉम नॉलेज। क्या वॉट यहाँ जो बाप सिखलाते हैं योग राजयोग, इससे हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। वी रिसीव बोथ हेल्थ एंड वेल्थ थ्रू योग द राजयोग दैट द फादर टीचेस हियर। चैतन्य में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड अटेनिंग लिबरेशन इन लाइफ इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में जीवन माना लिबरेशन इन लाइफ इन वन सेकेंड। वॉट डज इट मीन? जिस समय जो आकर के आत्मा तन मन धन से सरेंडर हुई। विच एवर सोल केम एट वॉट एवर टाइम एंड सरेंडर्ड इटसेल्फ थ्रू द बॉडी माइंड एंड वेल्थ। अर्पण में हो गई प्रैक्टिकल। द टाइम वेन इट सरेंडर्ड इटसेल्फ इन प्रैक्टिस। तन मन धन सब बगल में धरो रहे। इट इज नॉट दैट यू से वी एनी वे बिलोंग टू शिव बाबा एंड कीप बैक द बॉडी माइंड वेल्थ एंड एवरीथिंग। क्या वॉट तन मन धन सब बगल में धरो रहे। दे कीप बैक द बॉडी माइंड वेल्थ एंड एवरीथिंग। तेरो तो मेरो, अब मेरे को जो हाथ लगाओ मेरी लली लगाओ आप मत लगाइयो। दे से वॉट एवर इज योर्स बिलोंग्स टू मी बट डोंट टच मी, डोंट टच माई डॉटर एंड सन। ऐसे नहीं, इट शुडंट बी लाइक दिस। जो सच्चे दिल से अर्पण होते हैं एक बार। द वंस हु सरेंडर देमसेल्व्स वंस विद अ ट्रू हार्ट। जिनके सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है? वॉट इज द डियरेस्ट टू समवन। आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है? वॉट इज द डियरेस्ट टू द सोल। नहीं शरीर। स्टूडेंट सेड समथिंग। नो इट इज द बॉडी। अपना तन प्यारा होता है। वो ओन बॉडी इज द डियरेस्ट टू समवन। जो अपने घर के बाल बच्चे हैं वो भी क्या है? द चिल्ड्रन एट अवर होम आर वॉट। पत्नी है वो भी क्या है? द वाइफ इज वॉट। वो भी अपने तन के अंग हैं। दे आर ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। तन से ही निकले हुए। दे हैव इमर्ज्ड फ्रॉम अवर बॉडी इटसेल्फ। तन का ही टुकड़ा है, कतरा है। दे आर द पार्ट्स द फ्रेगमेंट ऑफ अवर बॉडी इटसेल्फ। तो अपना तन प्यारा होगा। सो अवर ओन बॉडी इज डियर। फिर बाप या पति प्यारा होता है। देन द फादर और द हस्बैंड इज डियर। इनसे ज्यादा और प्यार किसी का नंबर वन होता नहीं। नो वन लव्स एनी वन एल्स मोर देन देम। तो सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है कि परमात्मा आकर के अर्पण सच्चे दिल से हो गए। सो कमिंग टू द सुप्रीम सोल एंड सरेंडरिंग अवर सेल्स विद अ ट्रू हार्ट इज कॉल्ड अटेनिंग लिबरेशन इन लाइफ इन अ सेकेंड। तो जो सच्चे दिल से समझ करके अर्पण हो गए। सो दोज़ हु सरेंडर्ड देमसेल्व्स विद अ ट्रू हार्ट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज। डिड यू अंडरस्टैंड? पूरा तन मन धन प्रैक्टिकल में सुहा कर देते। दोज़ हु सैक्रिफाइस देयर एंटायर बॉडी माइंड एंड वेल्थ इन प्रैक्टिस। यानी परमात्मा की श्रीमत पर अपने तन को अपने परिवार को तन धन धाम सुहृद परिवार समय संबंध सब अर्पण कर देते। मीनिंग दोज़ हु सरेंडर एवरीथिंग देयर बॉडी वेल्थ प्लेस ऑफ रेजिडेंस फ्रेंड्स फैमिली
time, relationships and everything according to the Srimad of the Supreme Soul. It is not just about saying it, but they do it in reality. Then they attain liberation in life in a second. Then where is the need to waste so much money and wander here and there? Yeah. What? जब second में जीवन मुक्ति मिल सकती है. When liberation in life can be attained in 1 second. सच्चे दिल पर साहब राजी हो सकता है. When the Lord can be pleased with a true heart. तो फिर इधर उधर भटकने की क्या दरकार? Where is the need to wander here and there? इधर का नहीं. There is no need at all. फिर तो हो जाना चाहिए. Then they should surrender. कि नहीं हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए. और shouldn't they should. इस बात को राम सिंह ने पक्का पहचान लिया. Vishram Singh has realized this concept firmly. याद रखना Vishram Singh. Keep this in mind Vishram Singh. इसलिए हेल्थ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ. That is why explain the knowledge to the health minister and the education minister. इसलिए समझाओ. Why should you explain it to them? इसलिए कि तुम काय के लिए दुनियादारी में भटक रहे हो मिनिस्टर के नेतर. Explain to them why are you wandering in the worldly business being ministers? इसलिए समझाओ. Why should you explain to them? ये सब भटकना करना इससे तो उनको जीवन में सुख जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती. You should explain so that they understand that they can't receive happiness in life, liberation in life through this wandering. जीवन मुक्ति किस रात में मिलेगी? How will they attain liberation in life? परमात्मा को पहचान के परमात्मा को जान करके उसके ऊपर अर्पण हो जाओ. It is when they surrender themselves to the Supreme Soul after recognizing Him and knowing Him. समझाओ तुम ये हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते खोलो तो तुमको बहुत फायदा मिलेगा. Explain to them, open this hospital or university, then you will be benefited a lot. बाहर की दुनिया के एजुकेशन और मिनिस्टर को नहीं समझाने लगो करना. क्या? Don't start explaining to the education ministers in the outside world. What? Health minister or education minister ye bahar ki duniya ko samjhane lagu padho. Otherwise, you will start explaining to the health minister and education minister in the outside world. Pehle kahan? Where should you explain first? Charity begins at home. Yes, charity begins at home. Pehle ghar ka sudhar. First of all, the reformation of the home should take place. So, Brahman ki duniya mein bhi health minister. So, there is a health minister in the Brahmin world as well. Health minister kaun hote hain? Who are health ministers? Jo aise aise baatein gyan ki meethi meethi sunate hain. The ones who narrate such sweet things of knowledge. Dusron ka man khush ho jata. That the mind of the others becomes happy. Gyan ki jati ka. प्रवचन सुनो. लिसन टू द लेक्चर ऑफ दादी जानकी. ऐसे मिनिस्टर है. विच मिनिस्टर इज शी? हेल्थ. द हेल्थ मिनिस्टर. तबीयत खुश हो जाए. द हेल्थ बिकम्स चीयरफुल. तुम्हारे मन की हेल्थ डाउन नहीं हो सकती. द हेल्थ ऑफ योर माइंड कांट डिग्रेड. लेकिन उन हेल्थ मिनिस्टर में खामी क्या है? बट वॉट इज द वीकनेस ऑफ दोज हेल्थ मिनिस्टर्स? भटक रहे. They are wandering. बाप को नहीं पहचाना है. They haven't recognized the father. अगर बाप को पहचाने और पहचाने करके अर्पण हो जाए सच्चाई से. If they recognize the father and surrender themselves truly after recognizing him. तो क्या होगा? Then what will happen? सेकंड में जीवन मुक्ति हो सकती. They can attain liberation in life in a second. फिर भटकने की दरकार नहीं. Then there won't be the need to wander. चाहे वो ब्राह्मणों की आधार मूर्त दुनिया के एजुकेशन वो हेल्थ मिनिस्टर हो. Whether it is the health minister of the Brahmin world of the root souls. और चाहे बीज रूप आत्माओं की दुनिया की जानकी दादी है हेल्थ मिनिस्टर हो. और दादी जानकी और द हेल्थ मिनिस्टर इन द वर्ल्ड ऑफ द सीड फॉर्म सोल्स.
भटकने की कोई दरकार है नहीं। देर इज नो नीड टू वॉन्डर हियर एंड देर। तो एजुकेशन मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ, तुम ये हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलो। सो एक्सप्लेन द एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ओपन दिस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। तो तुमको बहुत फायदा होगा। देन यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। थोड़ा फायदा नहीं होगा। यू वॉन्ट बी बेनिफिटेड अ लिटिल। बहुत फायदा हो जाए फिर तुमको भटकने करने की कोई दरकार नहीं रहेगी। यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। देन यू वॉन्ट नीड टू वॉन्डर हियर एंड देर एनी मोर। अब जो करेगा तो पाएगा। नाउ द वन हु डज द टास्क विल रिसीव द फ्रूट्स। जितना करेगा उतना पाएगा। द मोर समवन डज द टास्क द मोर ही विल रिसीव द फ्रूट्स। कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं। देर आर सम हु डू ओपन अ यूनिवर्सिटी। लेकिन खुद श्रीमत पर नहीं चलते। बट दे देमसेल्व्स डोंट फॉलो द श्रीमत। भले श्रीमत पर न चले फिर भी उनका कल्याण तो हो ही जाएगा। इट डजंट मैटर इफ दे डोंट फॉलो द श्रीमत येट दे विल बी बेनिफिटेड फॉर श्योर। भाई श्रीमत पर नहीं चलेंगे या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं छोड़ेंगे। इफ दे डोंट फॉलो द श्रीमत और इफ दे डोंट गिव अप लस्ट एंगर ग्रीड अटैचमेंट ईगो तो क्या होगा। वॉट विल हैपन। अरे माला में पद नहीं पाल सकेंगे। अरे दे वॉन्ट बी एबल टू रिसीव अ पोजिशन इन द रोजरी। फिर भी साहूकार तो बनेंगे। Nevertheless, they will become the wealthy ones. साहूकारों का काम है साहूकारों का उद्धार करना। The task of the wealthy ones is to uplift the other wealthy people. चाहे वो स्कूल धने के साहूकार हो चाहे वो ज्ञान धने के साहूकार हो। Whether they are wealthy with physical wealth or wealthy with the wealth of knowledge. उनका काम है जिसके पास जो प्रॉपर्टी होगी। Their job is whoever has whatever property, जो शक्ति होगी जो गुण होगा, whatever power, whatever qualities, उस गुण से उस शक्ति से उस धन से दूसरों का उपकार कर सकता है। He can bring benefit to others through those qualities, through that power, through that wealth. अब है ही नहीं तो कोई उतना तो नहीं कर सकेगा। If he doesn't have it at all, he won't be able to do even that much. जैसे बूढ़ी बूढ़ी माताएं, जस्ट लाइक देर आर ओल्ड मदर्स, उनको क्या याद रहता है। वॉट डू दे रिमेम्बर। ज्यादा ज्ञान तो उनको याद नहीं रहता डिटेल। दे डोंट रिमेम्बर नॉलेज मच इन डिटेल्स। तो बाबा ने क्या कहा। सो वॉट डिड बाबा से फॉर देम। शिव बाबा को याद करो, बाप और घर से भी याद करो। रिमेम्बर शिव बाबा, रिमेम्बर द फादर एंड द इनहेरिटेंस। और जो मिले उसको यही समझ। And give this very message to whomever you meet. कहाँ आया हुआ है दादी, जिंदगी देखी अनुभवी जीवन है। She has seen the life, she has experienced life. बेचारी पकड़ पकड़ा ले आई बाबा के सामने। Poor fellow, she has caught and brought him in front of Baba. अब जो बाबा के सामने आ जाएगा कुछ न कुछ उसका उद्धार तो जरूर होगा। दुनिया वाले समझाने वाले और कहाँ बाबा समझाने वाला। वेल द वन हु कम्स इन फ्रंट ऑफ बाबा विल डेफिनेटली बी अपलिफ्टेड टू सम एक्सटेंट। देर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड हु एक्सप्लेन एंड बाबा हु एक्सप्लेन्स। परंतु बहुत पड़ जाएंगे। इट विल सर्टनली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो साहूकारों का काम है साहूकारों का उद्धार करना। So it is the task of the wealthy people to uplift the other wealthy people. गरीब ही बढ़ पाए। Only the poor can take the inheritance. जो गरीब होंगे वो ही वर्षा लेंगे। Only those who are poor will take the inheritance. बाकी जो करोड़पति हैं उनके लिए तो कहा हुआ है क्या। As regards the millionaires, it has been said for them. What? क्या कहा। What has been said for them? करोड़पति हैं चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के करोड़पति हों। Whether they are the millionaires of the Brahmin world, चाहे बाहर की दुनिया के करोड़पति हों। The millionaires of the outside world, चाहे बीज रूप आत्माओं की दुनिया के करोड़पति। Or the millionaires of the world of the seed form souls,
विदुर आत्मा की दुनिया में तो पहले करोड़पति होता ही होता ही। फर्स्टली नो वन इज अ मिलियनेयर इन द वर्ल्ड ऑफ द सीड फॉर्म सोल्स एट ऑल। खुदा न खास्ता कहीं कोई निकल आए जनक निकल। इफ बाई चांस समवन लाइक जनक कम्स इन द वर्ल्ड ऑफ द सीड फॉर्म सोल्स इट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सामान्य रूप से कोई करोड़पति होता नहीं। बट नो वन इज अ मिलियनेयर जनरली। तो बाकी जो करोड़पति हैं उनके लिए कहा हुआ है किसकी दबी गई धूल में। सो एज रिगार्ड्स द मिलियनेयर्स इट हैज बीन सेड अबाउट देम समवन्स वेल्थ विल रिमेन बेरीड इन डस्ट मीनिंग अर्थ। किसकी राजा खाए। समवन एल्सेस वेल्थ विल बी ईटन बाय द किंग। और किसकी ले जाए चोटा। समवन्स वेल्थ विल बी टेकन अवे बाय रॉबर्स। किसकी आग। एंड समवन एल्सेस विल बी बर्नड इन फायर। कोई की कोई तो धूल में दबी रहे। समवन्स वेल्थ विल रिमेन बेरीड इन अर्थ। वॉट। जमीन में गोदी के गाड़ देते हैं धन। दे डिग अ होल इन अर्थ एंड बेरी द वेल्थ देयर। वहाँ का वहीं पड़ा रह जाएगा। इट विल रिमेन देयर इटसेल्फ। कुछ नहीं फायदा होगा ना अपना ना दूसरों का। इट विल नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट नीदर टू अस नॉर द अदर्स। तो स्कूल धन की बात हुई। इट वॉज अबाउट द फिजिकल वेल्थ। जिनके पास ज्ञान धन है उनका क्या हाल होगा। वॉट विल बी द कंडीशन ऑफ द वंस हु हैव द वेल्थ ऑफ नॉलेज। उन्होंने दूसरों को दान दिया नहीं। दे डिडंट डोनेट द वेल्थ टू अदर्स। अंदर से जानते हैं कि हाँ ये शिव बाबा का पार्ट है। दे नो विद इन देमसेल्स यस दिस वन इज प्लेइंग द रोल ऑफ शिव बाबा। सब बातें सही बोल रहा है। ही इज सेइंग एवरीथिंग राइट। और देह अभिमानी के कारण दूसरों से कह नहीं सकते अपने फॉलोअर कि शिव बाबा का ही पार्ट है। बट बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस दे कांट टेल अदर्स देयर फॉलोअर्स दिस वन प्लेस द रोल ऑफ शिव बाबा। ये खुद सामने जा नहीं सकते बाप के शिव टोहम में। और दे देमसेल्व्स आर अनेबल टू गो इन फ्रंट ऑफ द फादर इन द स्वीट होम। तो उनका क्या हाल होगा। सो वॉट विल देयर कंडीशन बी लाइक। दबी रही धूल में। इट विल रिमेन बेरीड इन द अर्थ। दे अभिमान की धूल में उनका धन सारा ज्ञान धन दबाकर दबाई रह जाए। Their wealth, their entire wealth of knowledge will remain buried in the earth of body consciousness. अब बिना शुरू हो जाएगा तब कुछ कर नहीं पाएंगे। When the destruction starts, they won't be able to do anything. तो फायदा हुआ नुकसान हुआ। Then will it be a benefit or loss? घाटा हो जाएगा माल लाके मड़के तो बन नहीं सके। It will be a loss. They won't be able to become the beads of the rosary. किनकी दबी रही धूल में अब किनकी राजा खाए। समवन्स वेल्थ विल रिमेन बेरीड इन द अर्थ एंड समवन एल्सेस वेल्थ विल बी ईटन बाय द किंग। कोई कोई ऐसे होते हैं धन बहुत कमाते हैं और इनकम टैक्स में सारा ही चला जाता। देर आर सम हु अर्न अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड लूज एवरीथिंग विद द इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्स का तो हिसाब 80% तक है। The charges levied as income taxes counts up to 80% of the wealth earned. क्या बालकराम? Why बालकराम? हैं? तुम ज्यादा जानते हो। You would know more about it. तुम तो बैंक में हो। You work in a bank. 80% जिसकी कमाई होती है उसमें से 80% भी सरकार नहीं लेती। Even if someone earns up to 80% income, the government takes away the 80% share of the income earned by him. Puri kamai. They take away the entire income. Aisa bhi hai. So it happens like this as well. Brahmanon ki bihari ki duniya mein aise aise sahukar hain jinke paas bahut dhan hai. In the unlimited world of the Brahmins, there are such wealthy people who have a lot of wealth. Lekin itne soom hain. But they are so stingy कि दे नहीं सकते। That they can't give it to anyone. तो उनका भी क्या करेगा। So what will happen to them too? क्या होगा हाल। What will be their condition? हाँ उनको जो धन देने वाला है। Someone said something. Yes, the one who gives wealth to them. उनका शासक कंट्रोलर वो 80% तो वो ही खा जाएगा।
their ruler, their controller himself will take away 80% of it. अरे स्टूडेंट सेड समथिंग. अरे वो हिसाब किताब है इसका कर्म कब बना हुआ. द कार्मिक अकाउंट ऑफ द एक्शंस इज फॉर्म्ड लाइक दिस. जो शासक हैं द वन हु इज द रूलर. मान लो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई शासक है. सपोज देर इज अ रूलर इन द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स. हैं और जिसके ऊपर शासन कर रहा है किसी गीता पाठशाला वाले के ऊपर या वाली के ऊपर. एंड ही इज रूलिंग ओवर सम ब्रदर और सम मदर हु ओन्स द गीता पाठशाला. और उसको पता चल गया शिव बाबा का पार्ट है. एंड ही कम्स टू नो दैट द वन हु प्लेस द रोल ऑफ शिव बाबा एग्जिस्ट्स इन रियलिटी. सारी बातें ज्ञानी की है बिल्कुल करेक्ट. ऑल द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज आर कम्प्लीटली राइट. है तो करोड़ोपति अरबपति पदमा पदम भाग्यशाली को है. सो ही इज सर्टनली मिलियनेयर बिलियनेयर और मल्टी मिलियन टाइम्स फॉर्चुनेट. चाहे तो अपना भाग्य बना सकता है. इफ ही वॉन्ट्स ही कैन क्रिएट हिज फॉर्चून. भाग्य सामने पड़ा हुआ है. हिज फॉर्चून लाइज बिफोर हिम. लेकिन दीदी दादी के अंडर में. बट ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दीदी और दादी. जब तक दादी दीदी दादा नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे. अंटिल द दादी दीदी और दादा टेल हिम. तब तक टस से मस वो किसी को सुनाई नहीं सकता. ही कांट मूव इवन अ लिटिल. ही कांट टेल एनीवन अबाउट द नॉलेज ईदर. तो किसने ले लिया उनका धन. सो हु टुक अवे हिज वेल्थ. दीदी दादी दादा ले गए. द दीदी दादी दादा टुक इट अवे. सारा टैक्स में कट गया. द एंटायर वेल्थ वॉज फिनिश्ड इन पेइंग फॉर द टैक्सेस. समवन सेड समथिंग. यस किन की रही धूल में दबी रही धूल में किन की राजा खाए और किन की ले जाए चोट. समवन्स वेल्थ विल रिमेन बेरीड इन द अर्थ. समवन एल्सेस वेल्थ विल बी ईटन बाय द किंग. एंड समवन्स वेल्थ विल बी टेकन अवे बाय रॉबर्स. क्या वॉट. कोई चोर ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा धन कमाते हैं उन्हीं के ऊपर उनकी नजर रहती है. देर आर सम रॉबर्स हु कीप देयर आईज ओनली ऑन दोज हु अर्न अ लॉट ऑफ वेल्थ. तो बहुत कमाया है इन्होंने. दे थिंक ही हैज अर्न अ लॉट. अब वो ऐसे चोर होते हैं कि बस उन्हीं के ऊपर दांव लगेंगे और दांव लगा. यस दोज रॉबर्स आर सच हु स्टेक ओनली देम मीनिंग द वेल्दी वंस. एंड वेन दे हैव स्टेक्ड देम. अब फट जो उन्होंने लगाई पिस्तौल मोड़ के ऊपर अपने कहा जिंदगी भरी की कमाई. दे इमीडिएटली एम द गन ऑन देयर हेड एंड टेल देम टू हैंड ओवर द अर्निंग ऑफ देयर एंटायर लाइफ. देन दे शूट द पिस्तौल एट देम. बाबा इज मिमिकिंग द साउंड. हत्या कर दे. दे किल देम. ज्ञान में भी हत्या होती है. देर आर मर्डर्स इन द पाथ ऑफ नॉलेज एज वेल. ऐसे ऐसे होते हैं साहूकार की बहुत ज्ञान धन कमाते हैं. देर आर सच वेल्दी पीपल हु अर्न अ लॉट ऑफ वेल्थ ऑफ नॉलेज. बिजरू आत्माओं की दुनिया में भी और आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया में भी पक्का पक्का समझे बैठे हैं. इन द वर्ल्ड ऑफ द सीड फॉर्म सोल्स एज वेल एज इन द ब्राह्मिन वर्ल्ड ऑफ द रूट सोल्स देर आर सच वंस हु हैव अंडरस्टूड दिस फर्मली. यहाँ बाप आया हुआ है पक्की बात है असली बात. यस द फादर हैज कम. दिस इज सर्टन. दिस इज ट्रू. समझे. डिड यू अंडरस्टैंड. लेकिन कोई ऐसा चोटा आ जाता है. बट अ रॉबर लाइक दिस कम्स. चोटा कहो या चोटी कहो तो उनका घात कर देता. Whether you call him a male robber or a female robber, who killed them, meaning the wealthy ones. Yeah. What? उनके घर में इस शरीर रूपी तो भरा है. In their house, this body is also like a house. शरीर रूपी घर में घुस गए तो मन तो खराब हो जाएगा. If they enter the house in the form of body, the mind will certainly be spoiled. शरीर से शरीर का संपर्क हो गया तो क्या होगा. संबंध जुट गया तो क्या होगा. What will happen when one body comes in contact with another body,
when the relationship is formed between them? मन तो हर हो ही जाएगा, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा. The mind will certainly be carried away. Our mind will be at the place where our body is. मन तो चला गया. The mind has gone away anyway. तो फिर ज्ञान रह जाएगा. Then will the knowledge remain in those whose mind has been taken away? ज्ञान बिल्कुल नहीं रहेगा. The wealth of knowledge won't be left. A robber stole it away. डकैत बनकर चुराए ले गया. He became a dacoit and stole it away. Dacoit, meaning member of an armed gang of robbers. जय खड़का खतरनाक. This is very dangerous. खतरनाक तो सब ही कछुआ. In fact, everything is dangerous. And धूल में दबी रहा वो खतरनाक नहीं है. If it remains buried in earth, won't it be dangerous? बोलो करो जोर से टेप रिकॉर्डर में भर रहे. Speak loudly so that it is recorded in the tape recorder. हाँ, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए. Someone said something. Yes, someone's wealth will remain buried in earth. Someone else's wealth will be eaten by the king. किनकी राजा चोट काओ किनकी आग जला. Someone's wealth will be taken away by robbers and someone else's will be burnt in fire. आग, काम की अग्नि फिर ऐसी जलती है. Fire, the fire of lust blazes in such a way. एक बार अगर कहीं लत पड़ गई तो फिर क्या होता है. What happens if someone becomes addicted once? फिर पांचवी बार से नीचे ही गिरने का मन होता. Then they just wish to fall down from the fifth floor. नीचे ही गिरते हैं. They keep falling. तो वो काम आगने फिर सारा ज्ञान भस्म भस्म. That fire of lust reduces the entire knowledge into ashes. पिछाड़ी में आग लगेगी. In the end, the fire will be ignited. ऐसी आग लगेगी दुनिया के वातावरण में जिनकी बुद्धि में बाप की पहचान नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनकी दुनिया में. The fire will be ignited in such a way in the world, in the atmosphere of the world, in the world of the ones who don't have the recognition of the Father, the knowledge in their intellect. Aisi aag lagegi. The fire will be ignited in such a way. Duniya mein itna ganda vatavaran ho jayega ki sang ke rang se koi bach nahi. Meaning, the atmosphere of the world will become so dirty that no one will be able to save himself from the color of the company. जिसने बाप को पहचान लिया, जान लिया, मिल लिया, प्यार ले लिया और ले रहा है. The one who has recognized the father, known him, met him, received love from him and is receiving it even now. उनकी बुद्धि तो कहाँ रहेगी? स्वीट होम में. Where will his intellect remain? In the sweet home. बाप के पास रहे वो तो स्वीट होम बात ही हो गई. Their intellect will be with the father. So, they became the residents of the sweet home. और बाकी का क्या हाल होगा? And what will be the condition of the others? Atom bomb फटेंगे. Atom bombs will explode. और उन बमों के धमाके में क्या होगा? हर हर बम बम. And what will happen in the blasts of those bombs? There will be sounds of har har bum bum. सब पाप भस्म हो जाएंगे. Yes, all the sins will be burnt to ashes. वो काम आगनी सब लूट ले जाएगी. That fire of lust will loot away everything. सब खत्म हो जाएगा. Everything will be finished. पांचवी मार से गिरेगा तो क्या होगा? कुछ रह जाएगा. What will happen if someone falls from the fifth floor? Will anything remain? They will be finished. तो क्यों ना विनाश के पहले कुछ कर लो. So, why not do something before destruction takes place? तो कुछ पद भी मिल जाएगा. Then you will receive some position as well. क्या? What? विनाश के पहले कर लो. Do something before destruction takes place. स्थापना हो गई तो क्या होगा? What will happen when the establishment has taken place? विनाश हो गया. Destruction will take place. स्थापना का मतलब क्या? What does establishment mean?
माला अगर डिक्लेयर हो गई तो संगठन बन गया, ईश्वरीय शासन सत्ता तो तैयार हो गई। When the numbers in the rosary are declared, the gathering will be formed. The divine authority and rule has become ready. वो घर परिवार जो ईश्वर बसाने आया है सैंपल के रूप में। The family and house that God settles as a sample when he comes. जो स्वर्ग का उदाहरण होगा, अव्वल नंबर स्वर्ग का। The family and house that will be an example of paradise, of the number one paradise. वो घर ग्रस्थ आश्रम तो तैयार हो गया। That household ashram has become ready. स्थापना हो गई। The establishment has taken place. फिर दुनिया में क्या होगा? Then what will happen in the world? फिर तो हर हर बम बम यही नजारे चारों ओर होंगे। Then there will be only the scenes of har har bum bum, meaning atomic explosions all around. फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। Then you won't be able to do anything. कोई कहे कि हमने इतना पुरुषार्थ किया, हमने इतना पुरुषार्थ किया, हमको क्यों नहीं मिला? Someone may say, I made so much purusharth, why didn't I receive a position in the rosary? किया तो। The father will say, you did make purusharth. लेकिन, हैं? कितना किया और कैसा कैसा किया उसका भी तो हिसाब है। But how much and in what way you made purusharth is also calculated. किस गति से किया तो हिसाब नहीं निकलोगे। Won't you calculate the speed with which you made purusharth? स्वार्थ से किया या परमार्थ से किया? It will be checked whether you did it out of selfish motives or altruistically. तो सब खत्म हो जाएगा। So everything will be finished. तो क्यों न विनाश के पहले कुछ कर लो? So why not do something before destruction takes place? तो कुछ पद मिल जाएगा। Then you will receive some position. Yeah. What? पद बट रहे हैं। Now the positions are being distributed. बांटने वाला बाप और जन्म जन्मांतर के पद? The father is the one who is distributing the positions for births after births. ऊंचे या छोटे या नीचे राजा बन सकते हैं, रानियां बन सकते हैं। You can become high or small or inferior kings. You can become queens. हैं? बाप जो बांट दूंगा रानियां ना बन पाएंगी। There are no position of queens in what the father distributes. Raniya, ghar ko Raj Bahadur banaya. Raj Bahadur, a student in the gathering, will make queens. Vijaymala, ghar ko Raj Bahadur banaya. Raj Bahadur will make the Vijaymala. Na to Raj Bahadur paigu. Otherwise, how is he Raja Bahadur? Bahaduron ka Raja mane Hanuman. The king of the brave ones is Hanuman, meaning a monkey faced deity. Hanuman ko to kaam apni poonch hadaye ra. Hanuman keeps waving his tail of lust. Hai? Poonch halao to Lanka mein aag lagao to. Ab dhada dhad. Hai? Lanka mein aag lage hai tabhi to duniya ko vinash hoye. He waves his tail and sets Lanka on fire. And when the fire spreads in Lanka quickly, it is only then that destruction in the world takes place. Nothing. What was said? Kyun Raja Bahadur? Why Raja Bahadur? Mere ke denga sab tera ki bachcha hai. Hain? Kyun? Why? Rani to baba thodi bane hai. Baba doesn't create queens. Rani kaun bane hai? Hain? Who makes queens? Bhai to jo Lakshmi Narayan hai. There are Lakshmi and Narayan. To Narayan ko to baba bane hai. So बाबा क्रिएटेड नारायण और लक्ष्मी को कौन बनाए? एंड हु क्रिएटेड लक्ष्मी? लक्ष्मी को पद बाबा थोड़े दिए। बाबा डिडंट गिव द पोजीशन ऑफ लक्ष्मी। क्यों? व्हाई? क्यों बालकराम? व्हाई बालकराम? हैं? कौन दिए? हु गेव इट? बाबा। बाबा हिमसेल्फ हैज गिवन इट। ले लड़ाई करवाए थे बाबा तुम्हारी और राज बहादुर। लुक, बाबा इज मेकिंग यू फाइट अगेंस्ट राज बहादुर। बताओ कैसे? Tell me, how? Isko? Who? Lakshmi ko bani banata. Ajja? He makes Lakshmi his wife? Ajja? Lakshmi ko bani banata. Ki Brahma ko apni bani banata. Does he make Lakshmi his wife or does he make Brahma his wife? Hmm?
अरे ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा माने जगदम्बा। अरे अरे ब्रह्मा मीन्स द सीनियर मदर एंड द सीनियर मदर मीन्स जगदम्बा। जगदम्बा अलग हुई, कलयुग की देवी 500 करोड़ की अम्मा है। जगदम्बा इज डिफरेंट, शी इज द देवी ऑफ द आयरन एज, शी इज द मदर ऑफ द 5 बिलियन ह्यूमन बींग्स। और लक्ष्मी अलग हुई, सतयुग की देवी है। एंड लक्ष्मी इज डिफरेंट, शी इज द देवी ऑफ द गोल्डन एज। अरे अरे वो शरीर अलग और वो शरीर अलग, ये तुमने कैसे कह दिया? बोथ द बॉडीज आर डिफरेंट, हाउ डिड यू से दिस? सतयुग में जाके लक्ष्मी बनेगी? शी विल गो टू द गोल्डन एज एंड बिकम लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कौन बनाएगा? देन हु विल मेक हर इन टू लक्ष्मी? आप आकर के बनाएगा, कहाँ से आएगा? स्टूडेंट द फादर विल कम, विल द फादर कम एंड मेक हर इन टू दिस, फ्रॉम वेयर विल ही कम? हाँ हाँ सोच तो कह रहे हैं, कहाँ से आएगा? स्टूडेंट द फादर हिमसेल्फ कम्स इन द कॉन्फ्लुएंस एज एंड मेक्स हर इन टू दिस। यस यस दैट इज वॉट इज बींग आस्ड, वेर विल ही कम फ्रॉम? कब आके बनाता है? एंड वेन डज ही कम एंड मेक हर इन टू दैट? कब आके लक्ष्मी नारायण बनाता है? वेन डज ही कम एंड क्रिएट लक्ष्मी एंड नारायण? कब आओ मत करो बोलो, या तो रोज क्लास करो करो, और एल्स अटेंड द क्लास डेली। क्या वॉट पहले स्थापन हो गया चेतन? वॉज द पैराडाइज एस्टेब्लिश्ड इन 76? ब्रह्मा ब्रह्मा तो ब्रह्मा शरीर को छोड़ के चला गया। ब्रह्मा लेफ्ट हिज बॉडी एंड वेंट अवे। क्या वापिस चला गया? सो डिड द फादर ऑल्सो गो अवे? माता जी बोल रही संपूर्ण चंद्रमा पाठ बजाती है ब्रह्मा जी को। स्टूडेंट सेड समथिंग, यस द मदर इज सेइंग दैट द सोल ऑफ ब्रह्मा प्लेज द रोल इन द कम्प्लीट मून। स्टूडेंट ही प्लेज द पार्ट थ्रू सम मदर। यस जो पहले ये की माताएं थी उनमें कोई ऐसी थी जो बेटी के रूप में भी थी और कोई कोई? बिटवीन द मदर्स हु वर प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ देर वॉज सम वन हु वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ डॉटर एंड अनदर वन। हाँ सहयोगिनी के रूप में भी थी। यस शी वॉज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ हेल्पर। यज्ञ माता दो थी या एक थी? वर देर टू यज्ञ मदर्स और वन? दो थी कम से कम। देर वर एटलीस्ट टू मदर्स। ऐसी बच्ची? देर वर सच डॉटर्स। तो मम्मा है सरस्वती? मम्मा इज सरस्वती। कौन सी मम्मा, छोटी मम्मा या बड़ी मम्मा? विच मम्मा मीनिंग मदर, इज इट द जूनियर मदर और द सीनियर मदर? ओम राधे सरस्वती हो गई छोटी मम्मा। ओम राधे सरस्वती इज द जूनियर मदर। और बड़ी? एंड हु इज द सीनियर मदर? बड़ी अम्मा मन जगदम्बा, सारी जगत की अम्मा। द सीनियर मदर मीन्स जगदम्बा, द मदर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। जिसको सारी दुनिया को सर झुकाना पड़ता है। द एंटायर वर्ल्ड हैज टू बाउ द हेड इन फ्रंट ऑफ हर। अव्यक्तवाणी में क्या बोला? व्हाट वाज सेड इन द अव्यक्तवाणी? अभी दिल्ली को, दिल्ली की माताओं को सब माथा झुका देंगे। Everyone will bow the head in front of the mothers of Delhi. तो उन माताओं में कोई बड़ी माता भी होगी? So, will there also be a senior mother among those mothers? जिस माता की संभाल करने के लिए और कोई माता की तैयार जरूरत न पड़ी हो। Will there be a mother who wouldn't have needed any other mother to take care of her? क्योंकि और कन्या जो यज्ञ में अर्पण होती है, बाबा की बनती है, उनके लिए तो कोई न कोई माता होती होती है। It is because the other maidens who are surrendered in the yagya and belong to Baba do have some mother for them. Lekin wo Jagdamba, uske liye koi mata ki zarurat? But that Jagdamba doesn't need any mother. Yeah, Ganganga. Or the Ganges, meaning rivers of knowledge. Kya kahenge? What will be said? Pani Ganga kahenge? Ek vichar sagar manthan to chalta nahi. It will be called the Ganges of water because the churning of the ocean of thoughts doesn't take place. So, wo koi mel nahi hai. So, that is not a meeting. Yeh hai sachcha milan.
दिस इज द ट्रू फेयर ऑफ द रिवर्स ऑफ वॉटर. पानी भी नहीं होगा. ज्ञान का सागर. ही इज द ओशन ऑफ नॉलेज. तुम्हारे पास ये नाली नंबर पुरुषार्थकार. यू हैव दिस नॉलेज मोर और लेस अकॉर्डिंग टू योर पुरुषार्थ. नाली धारण करके सीमा पर चले. सो असिमिलेट दिस नॉलेज एंड फॉलो द श्रीमत. बात की भूख है. दे आर हंग्री फॉर वॉट. पैसे के सब भूखे नहीं. स्टूडेंट मनी. नॉट एवरी वन इज हंग्री फॉर मनी. तो बाबा कहते हैं वर्षा ले लो. मनुष्य को मरने में देरी नहीं लगती है. आपने बहुत हानि है. सो बाबा सेज टेक द इनहेरिटेंस. इट डजंट टेक लॉन्ग फॉर अ ह्यूमन बींग टू डाई. मेनी डिजास्टर्स हैव टू हैपन. आप सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो. जस्ट कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ सोल एंड रिमेम्बर मी द फादर. 84 जन्म पूरे हुए या वापस घर चलना. 84 births have been completed. Now you have to go back home. क्या कहा? What was said? ये ultimatum दे दिया. What ultimatum did he give? हाँ, बहुत गई थोड़ी रही. अब लो पाप को पहचान लो. Yes, a lot of time has passed. A little is left. Recognize the father at least now. हाँ, अब तो बाप को बाप के रूप में परमात्मा बाप के रूप में देखो. Someone said something. Yes, at least now see the father of the fathers in the form of the father, in the form of the supreme soul father. साधारण मनुष्य के रूप में मत देखो. Don't see him in the form of an ordinary human being. अर्जुन की तरह. अर्जुन भी क्या करता रहा? Just like Arjun, what did Arjun also keep doing? इस तरीके से इस चक्र की इन दिस वे दिस इज द सीक्रेट ऑफ दिस वर्ल्ड ड्रामा व्हील. अ स्टूडेंट सो ही प्लेड द रोल ऑफ करण हार एंड नाउ ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ करावन हार. Meaning, the one who makes others act. Karanhar. Meaning, the one who himself acts. What was said? Karanhar ka paravan ki Paramatma Shri ki jo bhaga hai iske dwara. The supreme soul Shiv, the point of light, played the role of Karanhar. Through whom? Brahma ke dwara. Through Brahma. Karanhar ka bhaga hai. He played the role of Karan Har. Karan Har ka theek hai yaar jo jamin ki karan ka kaad nahi mila yaar. He didn't play the role of Karavan Har. He didn't play the role of Karavan Har, the one who forces others to act. Khud karke dikhaya. He himself did everything and set an example so that what should the children also do? They should follow him. And what is it now? A student, the role of Karavan Har. Now he is playing the role of Karavan Har. He isn't playing the role of Karan Har. So what should you do? A student, but we will have to do it. In the case of the role of Karavan Har, the children will have to act. Some will feel that they have to act, but there will also be some who think, if the part of Karavan Har is going on, then let us act according to it. Where is the question of have to in this? A student? No, he is Karan Karavan Har, so he played the role of Karan Har. He did. The student, and now he is playing the role of Karavan Har.
He is playing the role of Karavanhar. He isn't playing the role of Karanhar, otherwise you will start acting in the opposite way, looking at what the father is doing at this time and thinking, Baba also acts like this. So, whatever Baba does, we will also do the same. No. What Baba does, why does he do it? He does it to make us do what he wants us to do. For example, if someone is not behaving properly, he isn't reforming through love, then what does he do? He says, if you don't reform through the proper way, achha, reform in this way. Reform through the opposite way. So don't derive an opposite meaning of the opposite conduct. What does it mean? He played the role of Karanhar through Brahma. You have to follow Brahma in the form of Karanhar. But now he is playing the role of Karavanhar. He isn't playing the role of Karanhar. Why? Why isn't he playing the role of Karanhar? Why isn't he proving himself by performing actions? He has already performed actions and proved himself. That was a soft role and this is a strict role. That one was the role of tolerating, the role of the mother. And this is the role of facing someone. End of the cassette.